प्लस वन डी क्लास बेटे, हमने क्वेश्चन शुरू किया हुआ है फर्स्ट लेसन का, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। उसके हमने तीन पॉइंट कर लिए हुए हैं। एक पहला पॉइंट जो हमने किया था वो था लिखित और विस्तृत संविधान, रिटन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, और तीसरा हमने किया था प्रभुता संपन्न सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक रिपब्लिक और सेकुलर स्टेट। ठीक है, आज है फोर्थ हमारा कई स्रोतों से लिया हुआ अनूठा संविधान, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रान फ्रॉम मैनी सोर्सेज। जब देखे बेटा भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो उन्होंने विश्व मतलब संसार के बहुत से देशों के संविधानों के अच्छे अच्छे सिद्धांत अपने संविधान में शामिल कर लिए थे। इसी कारण भारत के संविधान को बहुत से स्रोतों से लिया हुआ संविधान माना जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय सरकार कहाँ से ली है बेटा, ये बातें आपने याद रखनी है, ये एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लैंड से ली है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली हैं, जर्मनी से। और जो संघात्मक सरकार है वो कनाडा से ली है। तभी तो बेटा कई आलोचक होते हैं जो आलोचना करते हैं, जो मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। कई आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान उधार लिया हुआ थैला है। मतलब ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, भारत के संविधान को उधार लिया हुआ थैला कहना गलत बात है। जबकि हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान कई स्रोतों से लिया हुआ है। स्रोत कह सकते हैं, सोर्सेस से लिया हुआ हम कह सकते हैं, हम उधार लिया हुआ थैला नहीं कह सकते। ये था इसका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब इकहरी नागरिकता, इकहरी मतलब सिंगल सिटीजनशिप। देखा बेटा भारत में अमेरिका की तरह जो है ना दोहरी नागरिकता नहीं मिली हुई नागरिकों को। भारत में व्यक्तियों के पास केवल भारत की ही नागरिकता है, किसी व्यक्ति को राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में दोहरी नहीं एक नागरिकता है। देखिए बेटा जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो क्या आपके पास दो नागरिकताएं हैं, पंजाब की अलग और भारत की अलग? नहीं ना, हमारे पास केवल एक ही नागरिकता है और वो नागरिकता केवल और केवल इंडिया की है। किसी स्टेट ने हमें बाकी नागरिकता नहीं दी होती। नेक्स्ट है पॉइंट सिक्स पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखे बेटे जब भारत का संविधान आज़ाद हुआ था तो भारत का संविधान बना था जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत का संविधान जब बनाना था तो हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि भारत में सरकार कौन सी हो। तो हमने संसदीय सरकार अपनाई क्योंकि बेटा अंग्रेजों ने काफ़ी देर शासन किया था इंडिया पर। तो अंग्रेजों ने जब शासन किया था तो उन्होंने किस सरकार के द्वारा यहाँ पर शासन किया था, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया के लोगों ने ये सरकार देखी हुई थी कि कैसे इसमें इलेक्शंस होते हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये सब कुछ उन्होंने देखा हुआ था। इसलिए भारत में संसदीय सरकार ही अपनाई गई। अब क्या होती है संसदीय सरकार? संसदीय सरकार वो सरकार होती है जिसमें दो कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाममात्र जो राष्ट्रपति होता है और जो दूसरी होती है वास्तविक जो मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति का केवल नाम ही होता है जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है जो वास्तव में काम करती है वो होती है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन, मैंने आपको पहले भी बताया है संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। लेकिन लोकसभा लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन होने के कारण ज़्यादा जो है वो लोगों का इस पर विश्वास होता है और ज़्यादा पावरफुल भी होता है। ऐसी सरकार होती है संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसमें कार्यपालिका और विधानपालिका दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था बेटे आपका, इसलिए ये बड़ा है, लास्ट पॉइंट है। इन 7 पॉइंट मैं आपको करवा रही हूँ, इनमें से कोई 6 पॉइंट आपने कर लेने हैं। कठोर और लचकीला संविधान, कठोर रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। कठोर का मतलब है रिजिड, लचकीला मतलब फ्लेक्सिबल। भारत का संविधान कठोर भी है और लचकीला भी। कठोर का मतलब होता है कि भारत के संविधान में लिखी हुई कुछ बातें बड़ी आसानी से नहीं बदली जा सकती। बड़ी आसानी से कैसे नहीं बदली जा सकती,
कई बातों को तो बदलने के लिए सिर्फ संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर लिया जाता है, तो उसका मतलब फ्लेक्सिबल है। कठोर का मतलब कई बातों को बदलने के लिए संसद के दो तिहाई बहुमत के अलावा आधे राज्यों के विधानमंडलों की भी स्वीकृति चाहिए होती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचकीला भी है। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन था संविधान की विशेषताएं। ये आपका फर्स्ट लेसन है जो आज कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट लेसन के जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपने सारे अपनी कॉपी पे लिखने हैं।